everyone, welcome to my channel. Friends, hope you are doing very well. So guys, winters में सबसे ज्यादा एक problem बहुत ज्यादा होती है. तो आज का जो मेरा topic है वो कुछ इसी तरीके का है, विंटर से रिलेटेड ड्राई स्किन को लेके. विंटर्स में हमारी स्किन कहीं दफा ड्राई हो ही जाती है, चाहे स्किन टाइप कोई सी भी हो. तो गाइज, इसके लिए हम बहुत सारे फॉर्मुलेशन कर देते हैं, अपने फेस पे बॉडी लोशन लगा लेते हैं, अपने हैंड्स पे पाम पे अच्छी तरीके से लोशन लगा लेते हैं. बट गाइज, व्हाट अबाउट आवर बॉडी? बॉडी का क्या होगा गाइज? हम लोग बात लेते हैं, बात लेने के बाद कभी कभी हमारे पास टाइम भी नहीं होता, हम लोशन भी नहीं लगाते हैं एंड सीधे अपने ऑफिस या फिर अपने वर्क पे चले जाते हैं. तो होता क्या है, देखते हैं हम थोड़े टाइम बाद ही हमारी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है, पैचेस वगैरह से हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं. तो उसी के लिए आज मैं आपको बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन बताने वाली हूँ. इसे गाइस आप अपना समय भी बचा लेंगे और इसके साथ साथ आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके भी रख लेंगे. तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बगल में बेल आइकन है इसको भी प्रेस करना है, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं. गाइस, जिस सोप के बारे में बताई थी वो निविया क्रीम सॉफ्ट सोप है. लोशन वगैरह यूज करती थी, मॉइस्चराइजर, बहुत सारी चीजें यूज करती थी. मैंने सोचा विंटर्स भी आ गए हैं तो आपके साथ ये वीडियो क्यों ना मैं शूट करूं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के कुछ बॉक्स में ये आता है. इसको ओपन करके दिखाती हूँ और ये किस तरीके का इसका टेक्सचर है और क्या क्या फायदेमंद है मैं ये बताती हूँ. व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट पॉली में ये हमें निविया सोप भी दे रखा है. गाइज, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ. तो या गाइस देख सकते हैं कि इस तरीके का है, व्हाइट कलर का है एंड इसमें इसका निविया लिखा हुआ है. स्मेल के बारे में बताऊं, बहुत अच्छी इसकी स्मेल है. तो गाइस, नेट वेट की बताऊं 75 ग्राम है एंड इसमें आलमंड ऑयल करके मिक्स मिला है. ये 49 रुपीज का है. तो गाइस, मैं बता दूं ये इतना ज्यादा मॉइस्चराइजर है, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है. इसके साथ साथ नेचुरल ग्लो लाने में भी काफी किफायती होता है. एंड गाइस, फेस के लिए तो हम बहुत सारे फेस वॉश यूज कर लेते हैं, बट गाइस बॉडी के लिए क्या होता है, हम नॉर्मल सा कोई सा भी सोप यूज कर लेते हैं, उससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज्यादा खराब भी हो जाती है. तो गाइस, हमारा फेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हमारी बॉडी की स्किन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गाइस, ये हमारी स्किन को हार्श होने से बचाती है, जो ड्राई स्किन हो जाती है उसको नॉर्मल बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए ये बहुत अच्छा सोप है. फेस के लिए आप बहुत सारे फेस वॉश यूज कर लेते हैं, लोशन यूज कर लेते हैं, तो आपकी स्किन है जो वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है फेस की, बट बॉडी के लिए हम कम टाइम की वजह से अच्छी तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं. तो गाइस, ये सोप बहुत ज्यादा अच्छा है. तो यूज करने के बाद आपको इस चीज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जब आप अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज करता है आपको लॉन्ग टाइम के लिए. एंड गाइज, बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम ये होती है, फेस वॉश यूज नहीं करते हैं तो वो सोप ही यूज कर लेते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है. अगर आप फेस वॉश यूज नहीं करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग ग्लासी हो जाएगी और नेचुरल ग्लो करेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी. तो आपको इसके बाद टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि मैं अपने फेस को कैसे नरिश करूं. गाइज, किसी भी प्रोडक्ट पे आप रिव्यू देते हैं तो गौर कीजिएगा कि वो आपको डेमो भी करके दिखाए, क्योंकि डेमो से पता चलता है कि वो कितना ज्यादा वेलफेयर है, क्योंकि वो जब अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो इससे साफ पता चल जाता है कि वो आपके लिए कितना ज्यादा वेलफेयर है. इसके साथ साथ गाइज, मैं निविया के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे रिव्यू दे चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके भी वो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. गाइज, आज के नोटिफिकेशन में मैं नेम अनाउंस करना चाहती हूँ, वो खानदान खान का है. उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो हर वीडियोस पे अपना फीडबैक जरूर देते हैं एंड वो जरूर शेयर करते हैं कि मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए या फिर वीडियो कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही है. तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है. इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.